Welcome students, today we will continue to study class 8 geography chapter 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. In this class we will start lands and its type and also about the land conservation. So let's begin it. Previously we have already seen that land are two type, which is private and community owned, and it has some threats like land degradation, it means land ka kharab hona, landslide, jaisa ki naam se hi pata chal raha hai, landslide yani land ka slide ho jana, land ka apni jagah se khisak jana, and soil erosion we know that it erode with the many weathering agents like wind, water and rain. So next one is the desertification. Desertification यानी जब soil की top layer हट जाती है, धीरे धीरे soil degraded होने लगता है, खराब होने लगता है, तो उसका desertification होने लगता है, यानी मिट्टी जो होती है धीरे धीरे कंकड़ीली होने लगती है, धीरे धीरे बालुई होने लगती है, and it converted as a desert soil. So let's begin in the book. Okay, land can be divided on the basis of ownership into private land and community land. The land owned by the individual, yani land jab kisi ek particular aadmi ke paas hai, suppose maan lo ki mere paas ek land hai, to wo meri hai, wo zameen kya hai, meri hai, it means wo meri private property hai, it's known as the private land. Okay, and beside this, some land is also owned by the community or government organization. Okay, to which is known as the community land. Since the land use a common purpose, जैसे हम लोग मान लो पार्क है या कोई लैंड है जिसपे हॉस्पिटल बना दिया गया, तो वो हॉस्पिटल क्या है, किसी एक आदमी के लिए तो बनाया नहीं गया, बहुत सारे लोगों के लिए बनाया गया. या फिर जो पार्क है या तुम्हारे घर के सामने जो फील्ड है, वो किसी एक आदमी का तो नहीं है, सबके लिए है. वहाँ लोग कॉमनली मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, या फिर जब हम मार्केट में जाते हैं, जो मार्केट प्लेस है वो किसी एक आदमी का तो नहीं है. तो इस तरह के लैंड्स को हम लोग कम्युनिटी लैंड कहते हैं, which is known as also known as the common property. Okay, due to high demand but low availability, people often encroach on surrounding land to build illegal commercial setup resides to expand their agriculture land. अब देखो क्या होता है कि कभी कभी obviously हम जानते हैं कि इंडिया क्या है, वर्ल्ड का सेवेंथ लार्जेस्ट स्टेट है, सॉरी कंट्री है, एंड ऑल्सो इट हैज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती पॉपुलेशन को लोग बढ़ते जा रहे हैं, रहने के लिए काफ़ी जगह चाहिए, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए जगह चाहिए, कमर्शियल पर्पज़ लाइक एग्रीकल्चर के लिए जगह चाहिए, मार्केट प्लेस के लिए जगह चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह चाहिए. तो इस केस में लोग क्या करते हैं, जब लैंड की कमी होती है तो वो लैंड पर इनलीगल तरीके से अपना कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, विच इज़ नोन एज द इनक्रोचिंग इनकॉर्च, एंड वहाँ पे उसके आसपास इलीगल तरीके से रहने लग जाते हैं. जैसे हम लोग देखते हैं हमारे घर के आसपास काफ़ी सारी बस्तियाँ हैं, जो कि वहाँ का लैंड जो है वो किसी पार्टिकुलर आदमी का है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत सारे लोग स्लम में रह रहे होते हैं. तो दे सेटअप देयर कमर्शियल सेटअप है, वहाँ छोटी छोटी दुकानें खोल लेते हैं, लोग झोपड़ियाँ बना के रहने लगते हैं, एंड कभी कभी इस तरह की लैंड पे लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं, विच इज़ ऑल्सो वी कैन सी इन आवर सराउंडिंग्स. सो इनकॉर्चिंग मीन इन्वेड, यानी इनकॉर्चिंग का मतलब होता है कब्जा जमा लेना, किसी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना. सो कॉस्मोपॉलिटिशियन सिटीज स्लम्स कम टू ऑन वेकेंट गवर्नमेंट लैंड, यानी बड़ी बड़ी जो शहरें होती हैं, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं बड़ी बड़ी शहरों की ओर, यानी छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर, इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ एजुकेशन, इन सर्च ऑफ बेटर फैसिलिटी टू लिव. सो
और वहाँ जाने के बाद अगर उनके एजुकेशनल लेवल की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से उनको उस तरह की अच्छी जॉब या अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, रहने की जगह भी नहीं मिलती है, तो उन क्या होता है, इनकेस वो कहाँ रहने लग जाते हैं, इसी तरह की स्लम्स में, तो शहरों के आसपास बहुत सारे जो स्लम है धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं और वो इसी तरह की गवर्नमेंट लैंड्स में डेवलप किए जाते हैं। सच एन एग्जाम्पल, धारावी इन मुंबई, which is the largest slum of Asia. Okay, this happened because the house are very expensive and poor cannot afford them. यानी ये क्यों होता है? क्योंकि लोग गरीब होते हैं, जैसे जो लोग रिक्शा चलाते हैं या जो छोटे मोटे काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में फ्लैट ले सके, तो इन दैट केस दे कांट अफोर्ड ऑन एक्सपेंसिव हाउस, सो दे रेंटेड इन अ स्लम और समटाइम दे made their home in the slum. So therefore they often encroach vacant land and start living there. तो क्या करते हैं, वहाँ खाली जमीन पर अपना कब्जा कर लेते हैं और वहाँ रहना स्टार्ट कर देते हैं. धारावी मुंबई इज द फेमस इनफेमसली नोन एज द लार्जेस्ट स्लम ऑफ एशिया, एज आई टेल यू. ओके, सो लेट्स बिगिन द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस. अब क्या करते हैं, क्योंकि लैंड जो है, हम लोग ऑलरेडी प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि लैंड क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. लैंड काफ़ी कम परसेंटेज में हम यूज़ कर पाते हैं, ओनली 30% लैंड वी आर यूजिंग, सो दैट लैंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व. सो हाउ वी कंजर्व द लैंड, हाउ वी सेव आवर लैंड फ्रॉम द डीफॉरेस्टेशन. अब डीफॉरेस्टेशन क्या है, वॉट इज डीफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटना, तो अब हम इसको सेव कैसे करते हैं, वॉट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इट, देन पेड़ों को लगाना. अगर पेड़ों को काटना प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, पेड़ों को लगाना. तो जब पेड़ों को लगाते हैं, यानी जब हम पेड़ लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अफॉरेस्टेशन. सो द सॉल्यूशन ऑफ डीफॉरेस्टेशन इज अफॉरेस्टेशन. ओके, एंड वेन वी डिग्रेड द लैंड, जब लैंड खराब होने लगती है, देन वॉट इज अ सॉल्यूशन. इफ द लैंड डिग्रेडेशन इज प्रॉब्लम, देन लैंड रिक्लेमिनेशन इज द सॉल्यूशन. सिमिलरली रेगुलेट यूजिंग द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग. सो लेट्स कन्वर्सिएट वन बाई वन ऑफ ईच. Okay, an in-depth study revealed that man demand keep growing weather, sorry, whereas the land resource is limited. यानी जब हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी demands बढ़ती जा रही हैं, जबकि land resource क्या है, limited है. The enormous demand for land for human use is disturbing the natural ecosystem of our planet. हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा नेचुरल इकोसिस्टम क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया है, ये काफ़ी डिस्टर्बिंग हो गया है. इन दिस बिकॉज ऑफ ऑर्डर टू प्रोक्योर the more land man is cutting more trees, forest, and this practice destroying of forest, tree, and acquire obtained land is known as the deforestation. Okay, so deforestation ka basic mean kya hai, pedo ko katna. Then what is the solution, afforestation. This is a major global issue today. We have to study about the Amazon rainforest. During past 40 years, close to 20% of Amazon rain, Amazon rainforest has been cut it down. अब क्या है कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं, यानी मानव सभ्यता जो है धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप हो रही है, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं. सच एज एग्जाम्पल विच इज़ द Amazon rainforest is also known as the lungs of the earth. यानी अर्थ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का फिल्ट्रेशन कहीं से होता है, तो वो Amazon rainforest से होता है. That's why it known as the lungs of the earth. So during past 40 years, यानी 40 बीते 40 सालों में
ऑलमोस्ट 20% जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है उसको काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? ह्यूमंस की बढ़ती डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए। द लैंड अंडर फॉरेस्ट एरिया इज क्लियर्ड टू बी पर्पस लाइक एग्रीकल्चर एंड बिल्ड रेसिडेंस एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर। यानी हम एग्रीकल्चर करने के लिए, अपने घरों को बनाने के लिए, उसके अलावा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल्स यूज करने के लिए हम अपने फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। दिस प्रैक्टिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड शोइंग हार्मफुल इफेक्ट। इसकी वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे हार्मफुल इफेक्ट भी हम देखने को मिल रहा है। हमारा इन्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होते जा रहा है। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, विच इज़ अ वन ऑफ द काउज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन। एंड इन मेनी प्लेसेस कटिंग डाउन ऑफ द ट्री हैज इंकरेज द सॉइल इरोशन इवन द डिजर्ट फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि इन्वायरमेंट का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम पेड़ों को काट रहे हैं तो पेड़ तो वहाँ से कट गए, मिट्टी को पकड़ के रखने वाला वहाँ कुछ है नहीं, तो मिट्टी क्या है, बिल्कुल प्लेन है, खाली है। और जब भी बारिश हुई तो बारिश के साथ वो मिट्टी आसानी से बह के वॉश आउट हो गई, तो इस तरह से सॉइल इरोजन हुआ, या हवा के साथ उड़ गई तो इस तरह से सॉइल इरोजन हुआ। और जब मिट्टी की टॉप लेयर यानी सॉइल का जो टॉप लेयर जो कि हम लोग पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन में, जब वो ऊपर से निकल जाती है तो सॉइल बैरन हो जाती है, धीरे धीरे वो उसमें कंकर नॉड्यूल्स भर जाते हैं, यानी कैल्सेरियस डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, कंकरीली मिट्टी हो जाती है, और धीरे धीरे उसका उस पार्टिकुलर जो एरिया है वो डेजर्ट में बदलने लगता है। एंड मेनी फार्मर हैव बीन यूजिंग हार्मफुल पेस्टिसाइड। अब क्या होता है, बहुत सारे जो फार्मर है वो हार्मफुल पेस्टिसाइड भी यूज़ कर रहे हैं। अब पेस्टिसाइड यूज़ करना तो हमें अच्छा लगता है, क्या होता है पहले हम यूज़ करते हैं फिर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। दीज हार्मफुल पेस्टिसाइड आर डिग्रेड आवर सॉइल क्वालिटी एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ लैंड बाई लाइव स्टॉक ऑल्सो डिस्ट्रॉय द लैंड बाई मेकिंग इट प्रोन टू इरोजन। यानी इसकी वजह से इरोजन भी बढ़ता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर अस टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लैंड। लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वी मस्ट लर्न टू यूज दिस जुडिशियली। यानी हमारे लिए जो लैंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी धरती का अगर हम बात करें, अर्थ की बात करें, तो वी हैव 29% ऑफ लैंड ऑन अर्थ, और उस 29% का 70% जो है वो रहने लायक ही नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लैंड काफ़ी कम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना लैंड के हम अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, बाकी कमर्शियल एक्टिविटी, रेसिडेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अच्छे से सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें, जुडिशियली यूज़ करें, न्यायपूर्ण तरीके से यूज़ करें। इन द ever increasing population has already but enough pressure on available land. अब क्या है कि population जैसे जैसे बढ़ रही है, land के ऊपर pressure बढ़ता जा रहा है, क्योंकि land तो बढ़ नहीं रही है, obviously land उतनी ही है और उतना ही land use करेंगे, लेकिन हमारी population धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हमें alternatives ढूंढने होंगे कि किस तरह से हम अपनी land की quality को भी बचा कर रखें और population की बढ़ती demands को भी फुलफिल कर सकें। सो रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ बिन टेकिंग द इनिशिएटिव बाई चेंजिंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को रोका, कुछ में चेंजेस लाए। फार्मर आर बीइंग एजुकेटेड अबाउट पेस्टिसाइड एंड बीइंग टॉट अबाउट वेरियस मोड विच दे कैन इनरिच द सॉइल। यानी अब फार्मर्स को क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि हम आप किस तरह से जो सॉइल है उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं बिना ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किए हुए। इवन फार्मर्स को ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये हमारे लिए हार्मफुल है, ना सिर्फ आपके क्रॉप्स के लिए जबकि वो आपके एग्रीकल्चरल लैंड के लिए भी हार्मफुल है। सो बिसाइड ऑफ दिस अफॉरेस्टेशन इज बीइंग इनकरेज ओवरऑल वर्ल्ड। अफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को लगाना, इसे क्या किया जा रहा है, पूरी दुनिया में इनकरेज किया जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग न्यू ट्री एंड डेवलपिंग नेचुरल फॉरेस्ट एरिया विच इज नोन एज द
अफॉरेस्टेशन. चलो अब देखते हैं वन बाय वन व्हाट इज अफॉरेस्टेशन एंड अदर मेथड ऑफ कंजर्विंग लैंड. सो फर्स्ट वन इज द अफॉरेस्टेशन. अब अफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया में पेड़ों को लगाते हैं. अब देखो यहाँ क्या है, एक रो में पेड़ों को लगाया गया है. सपोज फर्स्ट डे हम इस रो में पेड़ लगाए, उसके बाद फिर यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, जब तक हम यहाँ पहुँचेंगे तब तक क्या होगा, इस एरिया के पेड़ बढ़ जाएंगे और फिर क्या होंगे, ये हमारे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं. और जब हम यहाँ पेड़ों को काट कर फिर नए पेड़ लगाएंगे तब तक इस एरिया के पेड़ काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो हमारा कमर्शियल यूज़ भी होता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जब हम पेड़ों को लगाएंगे तो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट भी बना रहेगा और लैंड की क्वालिटी भी बनी रहेगी. और जब हम अफॉरेस्टेशन करते हैं तो हमारा जो बचा हुआ फॉरेस्ट लैंड है उसको बिल्कुल टच नहीं करते, यानी इस फॉरेस्ट को अब हम नहीं टच कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पेड़ों को लगा रहे हैं, जब ये बड़े हो रहे हैं तब तक हम यहाँ और पेड़ों को लगा रहे हैं, और जब यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ के पेड़ काफ़ी बड़े हो चुके हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो गए. अब यूज़फुल हो गए तो हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के बाद फिर से यहाँ पे हम नए पेड़ लगाएंगे, तो उसके बाद फिर हम यहाँ के पेड़ यूज़ करेंगे, फिर नए पेड़ लगाएंगे, फिर यूज़ करेंगे, और जब तक हम इस यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये फिर से एरिया जो है पूरी तरह से जंगल से भर जाएगा. तो अब क्या इससे हमारा एनवायरमेंट सेफ है, लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन नहीं हो रहा है, एनवायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग रुक रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं. एक्चुअली क्या है कि पेड़ लगाना जितने भी इकोसिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, उन सबका एक बेस्ट सॉल्यूशन है विच इज पेड़ों को लगाना, इट मीन्स अफॉरेस्टेशन. ओके, नेक्स्ट वन इज द लैंड रिक्लेमिनेशन. अब क्या होता है, लैंड रिक्लेमिनेशन में हम आर्टिफिशियल तरीके से लैंड को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं. इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं मुंबई. मुंबई आज के डेट में जैसा दिखता है विच इज नॉट लाइक दैट. मुंबई जो है वो क्या था, वो पहले 7 आइलैंड है छोटा छोटा, फिर वहाँ पे ज़मीन को भर करके, मिट्टी भर करके वहाँ ज़मीन बनाई गई और तब वहाँ पे लैंड को शहर बसाया गया. तो अब क्या करते हैं, लैंड रिक्लेमिनेशन में हम जो जो खराब हो गई ज़मीन है, यानी लैंड डिग्रेडेशन जहाँ हो गया, जहाँ डिग्रेडेट होकर ज़मीन ख़राब हो गई है, अब किसी काम की नहीं है, तो उसको हम दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि माइनिंग की वजह से ये लैंड कैसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बैरन है, ख़राब हो चुका है, जैसे अब इसमें कोई कुछ यूज़ हो ही नहीं सकता. लेकिन आफ्टर द लैंड रिक्लेमिनेशन प्रोसेस, लैंड को रिक्लेमिनेश करने के बाद हम देखते हैं कि लैंड को फिर इस तरह से हम कन्वर्ट कर लिए. कैसे, मिट्टी को भर कर इसमें अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन को डालकर, पेड़ों को लगाकर हमने लैंड को क्या किया, फिर से ऐसा बना लिया जो कि यूज़ के लायक बन जाएगा. सो दिस इज द बिफोर एंड आफ्टर. ओके, नेक्स्ट वन इज द रेगुलेट द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर. यानी हमें क्या करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइज़र का यूज़ करना बंद करें. यानी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले हमें बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखने को तो मिलती है, हम सोचते हैं चलो इससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो. लेकिन क्या होता है कि जब यही पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र पानी से बहते हुए, यानी जब हम अपने पेड़ों को पानी देते हैं और फिर उससे बहकर वही पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र हमारी सॉइल में जाकर मिलती है, तो वो उसे धीरे धीरे डिग्रेड करना स्टार्ट करती है. उसमें जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको ह्यूमस कहते हैं, जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल होती है, वो धीरे धीरे उसे कम करने लगती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करना चाहिए. एंड चेक ओवर ग्रेजिंग. अब ओवर ग्रेजिंग क्या है, जब हम जानवर जब घास खाते हैं विच इज़ नोन एज द ग्रेजिंग. अब क्या करेंगे, अगर हम जानवरों को पूरे लैंड पे इस तरह से खुला छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे, धीरे 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 सारे जगह का पेड़ पौधों को खाना स्टार्ट करेंगे. और जब वो ग्रेज करते हैं, जब जानवर खाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, तो जब वो घास को काटेंगे तो वो बिल्कुल एक ट्रिमर की तरह या किसी मशीन की तरह फोक और नाइफ लेकर उसको काट रहे हैं, जिससे वो बिल्कुल लेवल में कटेगी, ऐसा तो है नहीं, वो तो बस खाते जाते हैं. तो जब ऐसा होता है, जब वो घास को ऊपर से खींचते हैं या किसी भी पेड़ को खींचते हैं, तो वो सिर्फ घास या पेड़ नहीं खींचते, वो उसके साथ साथ
ऊपर की जो सॉइल की जो टॉप लेयर है उसे भी खींच लेते हैं, और इसकी वजह से सॉइल का जो ह्यूमस वाला लेयर होता है वो भी खत्म हो जाता है। जिससे सॉइल फ्री हो जाती है हवा और पानी के साथ बहने के लिए, जिससे इरोजन होता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल धीरे धीरे इरोड होने से डिग्रेडेट होना स्टार्ट हो जाती है। अब हमें इसे करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हम सारे जानवरों को खुला ना छोड़ें, हम या तो फॉडर क्रॉप्स लगा लें जिसे जानवरों को खाने के लिए उगाया जाता है, और या तो फिर हम एक फिक्स एरिया डिसाइड कर लें जो कि सिर्फ ग्रेजिंग के लिए हो, जिससे हम ओवर ग्रेजिंग को रोक सकें। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड क्या है ये देखते हैं। तो लैंडस्लाइड, जैसा कि यहाँ से इसके नेम से ही पता चल रहा है, लैंडस्लाइड यानी जमीन का खिसकना, विच इज़ नोन एज द लैंडस्लाइड। द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रीज एंड अर्थ डाउन अ स्लोप, यानी जब जब किसी माउंटेन, सपोज दैट मान लो ये एक माउंटेन है, तो माउंटेन का पूरा हिस्सा यानी मूवमेंट ऑफ रॉक क्या होता है, अचानक से खिसक करके जमीन पर आ गिरता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, लैंड स्लाइड। इसमें डेब्रीज यानी बड़ी छोटे पत्थर, अर्थ डाउन यानी कभी कभी क्या होता है पूरा का पूरा पहाड़ ही अपनी जगह से खिसक जाता है और बड़ा सा लैंड स्लाइड हो जाता है। अब ये होता क्यों है? क्यों? बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से, कभी कभी जब अर्थक्वेक आता है तो माउंटेन रीजन में अनस्टेबल लैंड, जो जमीन ढीली होती है, वो अपनी जगह से खिसक जाती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। फ्लड, अब फ्लड की वजह से क्यों होता है? तो फ्लड की वजह से जब होता है तो क्या होता है, सपोज मान लो कि यहाँ पे एक रिवर है, तो क्या होगा, जब पानी बहुत ज़्यादा बहे जा रहा है तो क्या होगा, इससे टकराते हुए क्या करेगा, इस जगह की ज़मीन को कमज़ोर करेगा और अपने साथ बहाकर ले जाएगा, जिससे लैंडस्लाइड हो जाता है। अगर याद हो तो जब उत्तराखंड ट्रेजिडी हुआ था तो उसकी जो क्लिपिंग हम लोग देखते हैं, तो उसमें एक छोटा सा जगह है जहाँ पे हम देखते हैं कि पानी बह रहा होता है नदी से और अचानक से वो पूरी की पूरी ज़मीन को ही लेके बह जाता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड। अब देखते हैं वोल्केनोज। वोल्केनोज क्या है? जब भी वोल्केनोज इरप्ट होते हैं तो उससे पहले कई सारे छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं, और उसकी वाइब्रेशन की वजह से भी जो पहाड़ों की ज़मीन होती है वो अपने जगह से खिसकती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ अ माइनिंग। अब माइनिंग एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ की जाती हैं ज़मीन के नीचे। अब सपोज मान लो यहाँ एक माइन है, इस जगह पे एक माइन है, तो क्या कर रहे हैं, हम इस एरिया को यहाँ गड्ढा कर रहे हैं, खोद रहे हैं और फिर यहाँ से चले गए। तो यानी ये जगह यहाँ नीचे वैकेंट है, एरिया यहाँ से हॉलो हो गया। तो जब भी यानी ये ऊपर की जो ऊपर का जो ये माउंटेन रीजन था, ये क्या हो गया, काफ़ी अनस्टेबल हो गया, और जब भी हल्की भी वाइब्रेशन होगी तो क्या होगा, ये पूरा इस हिस्सा खिसक के नीचे आ जाएगा। तो माइनिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अगर अब क्या होता है, जब पहाड़ों पे जो फॉरेस्ट होती है जब उसको हम काट देते हैं तो वहाँ की मिट्टी ढीली हो जाती है, पेड़ है नहीं वहाँ पे, तो जब बहुत बारिश होती है तो पहाड़ों के ऊपर से क्या होगा, अब यहाँ से अगर हम पानी गिराएं तो पानी लगातार नीचे आएगा, तो वो अपने साथ ज़मीन को भी लेते हुए आ जाता है। तो दिस इज़ द काउज ऑफ लैंडस्लाइड। अब वॉट इज़ द इम्पैक्ट, इससे होता क्या है? हालांकि हम कहाँ रहते हैं, हम प्लेटो रीजन में रहते हैं, यहाँ ज़्यादातर लैंडस्लाइड नहीं होते, लेकिन जो माउंटेन रीजन है, हिमालयन रीजन है, वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ कुछ तरह के लैंडस्लाइड होते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, लॉस ऑफ लाइफ। अब कई बार सपोज मान लो यहाँ एक सड़क है, यहाँ रोड है जहाँ से गाड़ी जा रही है, और ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया और गाड़ी उसके नीचे दब गई, तो जिसकी वजह से कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। अब क्या होता है, अब ये इस एरिया में पूरी तरह से माउंटेन का पार्ट गिराया है, तो अब क्या होगा, इधर के लोग इधर फंस गए। तो जब तक अब यहाँ रेस्क्यू नहीं किया जाएगा, तब तक ना तो इधर के लोग इधर आ पाएंगे, ना इधर के लोग इधर आ पाएंगे। तो सपोज अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है, तो वो क्या होगा, वो इस जगह पे फंस के रह जाएगा, तो वो नुकसान हो रहा है। उसके अलावा फ्लड, कई बार फ्लड आता है, सपोज दैट यहाँ पे अब एक रिवर बह रही है, इस जगह पे अब एक रिवर बह रही है, तो क्या होगा, अगर ये माउंटेन का हिस्सा गिर के इस रीजन में आ गया,
यहाँ गिरा तो क्या होगा, ये इस एरिया को ब्लॉक कर दिया, यानी अब इधर से जो आने वाला पानी था वो इधर आ नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, अब ये इस साइड से बहने लगेगा। सपोज दैट, अब देखो क्या है कि ज्योग्राफी जो है ना वो एक लिविंग सब्जेक्ट है, इसको रिलेट करो। कभी कभी क्या होता है, तुम्हारे घर के आसपास की जो नालियाँ हैं उसको देखना, तो जब हम उसमें बहुत सारी मिट्टी या डेबरीज बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं तो क्या होता है, पानी उसके पीछे से होके बह के निकलने लगता है। तो सेम चीज़ क्या होगा इस रिवर के साथ होगा कि पानी फिर यहाँ से बह के निकलने लगेगा और वो आसपास के रीजन में फैल जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड आ जाएगा। उसके अलावा भी और भी कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, पंजी विलेज नियर द रैंकॉन्ग पीओ इन किन्नूर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, ओके, डैमेज टू हिंदुस्तान तिब्बत रोड। अब ये जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है यहाँ पे, जो कि नेशनल हाईवे 22 है, यहाँ जनरली अर्थक्वेक बहुत ही कॉमन है, जो हमेशा ही देखने को मिल जाता है। अब ये तो थी प्रॉब्लम्स और इसके इम्पैक्ट, तो अब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अब व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस अर्थक्वेक, सॉरी दिस लैंडस्लाइड, तो अब क्या होगा, तो देखते हैं मिटिगेशन। पहला क्या है, हजार्ड मैपिंग। हजार्ड मैपिंग क्या है, आइडेंटिफाई द एरिया एंड अवॉइड इट, यानी हम उसको पहले आइडेंटिफाई कर ले, पता कर ले कि हाँ यहाँ ये पार्टिकुलर रीजन है जहाँ रेगुलरली यहाँ पे क्या आ रहा है, लैंडस्लाइड आ रहा है, तो हम उसको कोशिश करें कि उस रीजन में या तो हम ना जाएं, या वहाँ किसी तरह की कंस्ट्रक्शन ना करें, बहुत ज़्यादा आवाज़ ना करें, बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से वाइब्रेशन हो, जिस ताकि लैंडस्लाइड रुक सके। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, हम यहाँ रिटेंशन वॉल बना सकते हैं। रिटेंशन वॉल क्या होती है देखते हैं। सपोज अब अगर एक पहाड़ है तो रिटेंशन वॉल क्या है कि वेट, देखो अब रिटेंशन वॉल क्या है कि सपोज मान लो यहाँ पे एक रोड है या एक नदी बह रही है, तो हम जानते हैं कि जब यहाँ से इसको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि इस पार्टिकुलर माउंटेन रीजन में अक्सर ही लैंडस्लाइड होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक वॉल को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब लैंडस्लाइड होगा तो जो भी पार्टिकल्स गिरेंगे वो इस लैंड के पीछे ही गिरेंगे, यहाँ आगे नहीं आएंगे, ताकि यहाँ लैंड जो ये रोड है इसका जो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो चहल पहल है, उस पर कोई असर नहीं पड़े, या फिर नदी में ना गिरे जिससे फ्लड या कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। नेक्स्ट वन इज़ द इंक्रीजिंग वेजिटेशन। हम जितना ज़्यादा माउंटेन रीजन में या वेजिटेशन लगाएंगे वो क्या करेंगी, पेड़ ज़मीन को पकड़ के रखेंगे और उसे खिसकने नहीं देगी। एंड सरफेस डैमेज कंट्रोल वर्क, अब क्या कर सकते हैं, हम तैयार रह सकते हैं सरफेस पे जो उसकी वजह से जो भी डैमेज होगा उसको कंट्रोल के लिए। सो दिस इज़ द लैंडस्लाइड एंड लैंड कंजर्वेशन। ओके,